नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क से और मैं हूं जगदीप सिंह अजीत। आज हमारी देश की बढ़ती डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। हमारे जहां जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वर्ल्ड के कोने कोने में बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़ी से बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए हमारे डोगरा कल्चर की और जम्मू प्रोवेंस की, तो जहाँ डोगरा कल्चर तो वैसे ही बहुत एक रिचेस्ट कल्चर माना जाता है, और जहाँ हमारे जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पे हर घर में बड़े से बड़ा डाइनिंग टेबल लगा है, बड़े से बड़ा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बड़े से बड़े यहाँ पे होटल खुल रहे हैं, पर हम लोग डाइनिंग टेबल्स का जो है इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। इसी बात विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं नोविका बिच मैम। मैं बेटी हूँ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, जो आपका शाइन डाइन के नाम से आपने ये जो एक चला रही हैं आप, जिसकी जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं डाइनिंग टेबल मैनर्स, हाँ जी, इसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? सिंपली टेबल मैनर्स में जो भी चीज़ें टेबल पे हैं उन सब का यूज़ क्या होगा, प्रॉपर यूज़, ताकि कोई भी गलती ना करे। हर एक चीज़ क्या इंडिकेट करती है, नैपकिन हो गया टेबल पे, प्लेट्स हो गई, ग्लासेस हो गए, और मैनर्स क्या, कॉन्वर्जेशन हमें करनी चाहिए टेबल पे, किस तरह से लोगों को मिलते वक्त ग्रीट करना चाहिए, किस तरह से थैंक यू नोट्स छोड़ने चाहिए। तो बेसिकली सब चीज़ें जो डाइनिंग से रिलेटेड हैं वो सब हम उसमें कवर करते हैं। हम थोड़ा आपके बेसिक साइड बढ़ते हैं, आपकी जो स्कूलिंग और कॉलेज है, एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई है? जी, थोड़ी सी मेरी जो स्कूलिंग है वो मुंबई से भी हुई है। जब मैं छोटी थी मेरी प्राइमरी स्कूलिंग थोड़ी सी मुंबई से हुई है, बिकॉज मेरे डैड इंडियन नेवी में थे पहले, और उस वजह से हम लोग पहले मुंबई में थे। बाकी स्कूलिंग मेरी जम्मू में JP वर्ल्ड स्कूल था, पहले मैंने वहाँ से की है, फिर मैंने इग्नो से की है, फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से भी की है। 12th के इमिडिएटली बाद मैं एविएशन मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके लिए मैंने एविएशन के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी 12th के बाद। तो मेरी वहाँ से एविएशन की पढ़ाई कंटिन्यू हुई, और कॉरेस्पॉन्डेंस में मेरी जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंटिन्यूशन में चल रही है। जैसे आपने बताया कि आपके डैड इंडियन नेवी में थे, हाँ, आपके भाई भी मर्चेंट नेवी हाँ में हैं, तो बोलिए डिसिप्लिन वाली चीज़ है ये, तो आपके बचपन में साथ साथ ही चलती आ रही थी। हाँ, आप कह सकते हो, क्योंकि डैड डिफेंस बैकग्राउंड से है तो इंडियन नेवी नेचुरली उनको वो सब बेसिक पता था। और फिर ऑफकोर्स हाँ, भाई जो था वो भी, उसने भी 12th के बाद इमिडिएटली उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, एंड देन उसको पूरा भारत का एक्सपोजर मिला, बिकॉज वो भी मर्चेंट नेवी में है, तो उसको पूरा एक्सपोजर मिला। तो हाँ, मैं हमेशा उसको देखती थी, वो जब भी वापस आता था कुछ ना कुछ मेरे पास ऑलरेडी होता था उससे सीखने के लिए, तो वहाँ से मुझे ऑलरेडी पहले से इंटरेस्ट था, उसने और इंटरेस्ट को डेवलप किया मम्मी पापा भैया। तो नॉर्मली जैसे हम लोग मतलब फैमिलीज हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि खाना वगैरह लिया कहीं बेडरूम में, कहीं सोफे बैठ के डिस्कस खा लेते हैं, तो आप अपनी बताइए क्या। तो सारे में आपका बैकग्राउंड भी वैसा ही रहा है, अभी आप आगे सिखा भी रही हैं, तो आप खुद प्रॉपरली घर में नॉर्मली लेती हैं कि फिर? मुझे अब ऐसी आदत हो गई है कि हाँ, अब मेरा वैसे ही, मैं भी सही जो चीज़ें करनी चाहिए वही चीज़ें करती हूँ। बाकी हाँ, मेरी मम्मी मुझे जर्नली डाइनिंग टेबल पर ही बिठा के खिलाना मतलब खाने के लिए एडवाइस करते हैं हमेशा, तो हाँ मेरे घर पे अब माहौल ही वैसा बन चुका है, मम्मी भी वैसे ही, पापा भी वैसे ही, भैया भी वैसे हैं, तो हमारा वो माहौल ही उस टाइप का एनवायरनमेंट बन चुका है कि उस चीज़ से यूज टू हो गए हैं, वो अब हमें ऐसे रियलाइज़ नहीं होता कि हम कुछ ऑड करें। बाकी आजकल हर घर में लोग मैक्सिमम डाइनिंग टेबल का यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ अब चेंज हो ही चुकी है ऑलरेडी। जैसे आपने बताया कि आप फ्लाइट अटेंडेंट थी भी और हैं भी हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि देश देश में और विदेशों में अभी तक आप कहाँ कहाँ गई हैं? हाँ जी, फ्लाइट अटेंडेंट इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट हर सिटी को कवर किया, हर स्टेट में मैं ऑलमोस्ट हर स्टेट में ही मैं गई हूँ। बाहर देखा जाए तो मोस्टली मैं लंदन में बहुत ज़्यादा गई, और वो लंदन मुझे बहुत पसंद भी है, तो वहाँ पे मेरा बहुत जाना रहा है। पेरिस में मेरा बहुत जाना रहा है, और आम्स्टरडैम में मेरा बहुत जाना रहा है। बाकी गल्फ एरियाज में गई हूँ, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, तो ऐसे काफ़ी जगहों में, अलग अलग कोनों में मैंने एक्सपीरियंस लिया है इन सब चीज़ों। जब आप विदेशों में जाते हैं तो खासतौर विदेशों में तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, हाँ जी, तो नेचुरली आपका उठना बैठना खाना वैसा रहता है, वो तो एक आपकी जो नॉलेज है, एक एक्सपीरियंस है जो, तो उसमें नेचुरली मुझे लगता है चार चांद लग गए होंगे। बिल्कुल, जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। फॉर एग्जांपल टेबल पे मुझे दिखा कि वो लोग वहाँ पे एकदम प्रॉपर रेस्टोरेंट्स में भी प्रॉपर शो करते हैं चीज़ों को, कटलरी
होगी फॉर एग्जाम्पल, या ग्लासेज होंगे, उनके पास ज़्यादा टाइप के ग्लासेज और कटलरीज अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें जम्मू में आ रही हैं वो सब चीज़ें भी ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल हैं, पर वहाँ पे ऑलरेडी हर एक जगह पे वो सब हमें मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे सब लोग यूज़ भी करते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सबके लिए सीखना, क्योंकि हम इस ग्रुप में हैं, तो उस ग्रुप में अगर सब कुछ सब लोग वैसा ही कर रहे हैं तो आई थिंक वहाँ पे बस आना चाहिए, यूज़ करो नहीं करो इट्स लाइक अगेन अप टू समबडी। नविका, जैसे कि हम अभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं और जैसे हम लोग भी हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं जॉब करने के लिए, नेचुरली कहीं ज़्यादातर मीटिंग कभी डिनर पे हो जाती है, आपस को लंच पे जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ऐसे सैम्पल से देखे मैंने, अगर आपको कुछ पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, तो उसका रखने का एक जो स्टाइल है, तरीका है, वो अलग है, आपको पसंद है, आपको लेना है, आपको नहीं लेना है, तो ये नॉर्मली भी चलता है कि ये सिर्फ डिफेंस वगैरह में ही रहता है? नहीं नहीं, ये हर जगह चलता है, स्पेशली अगर आप चाहे आप डिफेंस लगा लो, डिफेंस में भी उन लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो लोग हमेशा एक सबके साथ बैठ रहे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, बट अदरवाइज भी अगर हम लोग किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कल कहीं अच्छी जगह जॉब के लिए हम जा रहे हैं, जनरली आजकल बिजनेस मीटिंग्स में वो लोग बोलते हैं चलो ठीक है लंच या डिनर भी करेंगे साथ में, अगर हम किसी अच्छी जॉब में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम लंच या डिनर के लिए जा रहे हैं, कोई मील ले रहे हैं और सब लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर मीटिंग में सब लोग कुछ खा रहे हैं और हमें नहीं पता हाउ टू यूज़ प्रॉपरली कटलरी का, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, या फिर हम कोई चीज़ गलत यूज़ कर लेते हैं जो अगला बंदा उसको नहीं समझ पाता। बिल्कुल, हर एक चीज़ को इंडिकेट करने की, मतलब हर एक चीज़ का टेबल पे कुछ ना कुछ इंडिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल नैपकिन आप किस तरह से रखें, जब आपका खाना ख़त्म हो गया है तो आप उस तरह से उन चीज़ों को रखते हो कि लोगों को पता चलता है कि हाँ मेरा खाना ख़त्म हो गया, ताकि वो क्लियर करें। आजकल जो वेटर्स भी हैं तो वेल एजुकेटेड हैं। हाँ जी, मतलब ये नहीं कि नॉर्मल, हम लोगों ने देखा पर बड़े बड़े होटल्स वगैरह जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब लाखों में रेंट रहता है रूम, तो वो जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने देखा वो सैंबल्स रहते हैं, एक दो बताइए ना आप इसका मतलब क्या होता है, उनको भी नॉलेज होती है तभी वो रखते हैं। हाँ जी, उनको बोलने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी बिल्कुल, जैसे बहुत बेसिक है, जैसे अगर हमने नैपकिन है, अगर हमारा ख़त्म हो गया खाना, तो हम उसको यूज़ करने के बाद सिर्फ अपने लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, और उसका वो रखने का भी एक तरीका है, तो उस तरीके से रखते हैं। कटलरी हो गई, हम किस मतलब उसको रखने का एक तरीका है, हम उसी तरह से रखते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ हमारा खाना ख़त्म हो गया, या हम थोड़े टाइम के लिए टेबल छोड़ के जा रहे हैं, किसी का फॉर एग्जांपल फ़ोन आ गया या कुछ हो गया, हम थोड़ी देर के लिए टेबल से जा रहे हैं, मील को पॉज कर रहे हैं, हम उस तरह से कटलरी रख के जाते हैं ताकि वेटर हमारी प्लेट क्लियर ना कर लें, उनको वो इंडिकेशन होता है कि हमने वापस आना है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए हम वो छोड़ के गए हैं। तो अगर हमने वो कटलरी गलती से गलत रख दी, हमने एक कटलरी पे शो किया कि हमारा मील खत्म हो गया, हम तो सिर्फ 5 मिनट के लगे और वेटर ने आके वो ट्रे या प्लेट क्लियर कर दी जी, जी। तो वहाँ पे कितना ऑकवर्ड हो गया, मुझे तो वापस आके खाना खाना था। मैं यही बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए वेटर्स और सब स्टाफ को, होटल स्टाफ को बहुत नॉलेज है आजकल सब चीज़ों की। तो ये जो आपने इतना सारा एक्सपीरियंस लाया है, ये भी आप जम्मू में बांट रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमने सेशन स्टार्ट किए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, हमने सबके लिए, हमने हर एज ग्रुप को इनवाइट किया है, कोई भी एज के लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जब अगर मम्मीज को दो चार बातें पता हैं, तो वो आगे बच्चों को सिखाएंगे। यस बिल्कुल, तो उनको फिर जैसे आप सिखा रहे हो, शायद फ्यूचर में आने वाले 10-20-30 सालों के बाद ये सब सिखाने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी, ऐसा तो चलता रहता है। अभी जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, अगर किसी ने आप तक पहुंचना हो, तो उसके लिए आपके कौन कौन सा पेज है, कैसे पहुंचना है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए। हाँ जी, हमारा पेज शाइन डाइन एटिकेट फेसबुक पे पेज है, और हमारा एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है न्यूज़पेपर में, अदरवाइज 9697123125 कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी बुकिंग्स होती हैं, तो दे कैन फॉलो शाइन डाइन एटिकेट फेसबुक पेज है, जनरली वहाँ से हम क्वेरीज पिक कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो न्यू जनरेशन है, हाँ जी, जैसे स्टूडेंट्स है, कॉलेज लाइफ है, कृपया इसको गलत लाइन में ना लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको दूसरी साइड भी जोड़ा, जैसे फर्स्ट डेटिंग है हमारी, एंगेजमेंट होती है नहीं है, जहाँ बिजनेस के लिए है, या स्कूल्स मतलब सारी स्कूल्स है, कहीं भी आप किसी भी डेट्स के लिए जाते हैं, बिल्कुल कितना फायदा होने वाला है? बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि शो ऑफ थोड़ा सा हम उसमें अपने आपको कंफर्टेबल महसूस करते हैं, यार मैं थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, यार मैं खाने में थोड़ा स्टाइल, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में? मुझे ऐसा लगता था वी ऑल लर्न टेबल मैनर्स नॉट पर्टिकुलरली टू शो ऑफ बट टू शो रिस्पेक्ट, हमें जितना टेबल मैनर्स अच्छे से आएंगे, हम उतना रिस्पेक्टफुल एक
दूसरा जो हमारे सामने होगा उसके लिए लगेंगे। तो हम ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं जब हमें ज़्यादा मैनर्स आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल जब हम किसी डेट्स पे जा रहे हैं या फिर फॉर्मल हम बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हैं, लोग मैरिजेस पे जाते हैं, मैरिज से पहले जाते हैं, मे बी लंच के लिए, डिनर के लिए, तो वहाँ पे वो दोनों को सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, वो दोनों के लिए वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ें। बेसिक नॉलेज है, टेबल मैनर्स, हम सब लोग खाना खाते हैं, हमें खाना हम लोग सब खाते हैं। जैसे आपको अपनी बात करूँ तो मेरे से ये सब नहीं हो सकता, तो मैं तो कहीं भी आता हूँ तो हम तो वैसे ही हाँ जी थोड़े से डोगरे लोग हैं, ज्यादा ही डोगरे हैं, डोगरे तो आज बहुत आगे पहुँच गए हैं, देश विदेश में नाम रोशन किया है। बिल्कुल, बट ऐसा है कि आजकल जो बच्चे हैं, कोई ना कोई एक ना एक ग्रुप में बच्चा ऐसा होता है जिसने एजुकेशन मे बी बाहर से की है, मे बी दिल्ली से की है, मे बी कहीं से भी की है। जब वो बच्चा बाहर आते हैं, वो दो तीन बच्चों को ग्रुप में पता होता है और बाकी दो तीन को नहीं पता होता, पर ग्रुप तो उनका एक ही है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सबको एक दूसरे को वो चीज़ बेसिक एजुकेशन दे देनी चाहिए, ताकि अगर कल को हम किसी, मैंने जैसे बोला, किसी जॉब के लिए सेलेक्ट होकर दिल्ली जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं, तो हमें वो पहले से वो हमें कॉन्फिडेंस हो, हम कहीं पर इम्प्रेशन अपना लूज़ ना कर दें। बिजनेस मीटिंग्स में या कहीं पे भी, फ्रेंड सर्कल में भी, मैं नहीं चाहती कोई भी इम्प्रेशन वो लूज करे, तो उसके लिए मुझे लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जैसे आपने देश विदेश हर स्टेट में गए हैं, बाहर पढ़े हैं, आपको आज तो जम्मू में भी फ़र्क पड़ रहा है, देश में अलग अलग स्टेट्स में तो अलग अलग कल्चर तो खैर रहता ही है। हम अब बात खासतौर पर जम्मू की ही करेंगे, जम्मू कश्मीर की। पेरेंट्स को बच्चियों को लेके कहीं कहीं ना पूरी तरह अपने आप को स्कोर महसूस नहीं करते हैं कि यार अब लड़की है तो इसको बाहर भेजना है, थोड़ा सा मतलब ये घबराहट रहती है। आपको स्टार्टिंग से अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है, अपने पेरेंट्स की तरफ से मतलब किस तरह की? जी मेरे को पहले से, मैंने जैसे बोला, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स को और मेरे भाई को दोनों को एक्सपोजर था बाहर का, तो वो लोग जब भी बात करते थे वो लोग दुनिया की बात करते थे और मुझे कुछ पता नहीं होता था। तो वहाँ से मुझे हमेशा इंटरेस्ट आया कि मुझे भी जाना है और मुझे भी देखना है। जब मैंने देखा हम भैया बात कर रहे हैं, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, कभी किसी कंट्री की, कभी किसी कंट्री की, बिकॉज़ उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी थी कि उन लोगों को वो एक्सपोजर मिल गया, तो मुझे कहीं ना कहीं पहले से पता था कि मुझे वो एक्सपोजर चाहिए। तो मुझे ऐसा था एक्सपोजर तो चाहिए लेकिन हम वो टाइम लग जाएगा, मुझे कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर जाके शायद मैं किसी जॉब में जाऊंगी और फिर वहाँ से मुझे वो एक्सपोजर मिलेगा। तो मैंने ऐसे करियर्स देखे कि कौन सा ऐसा करियर है जो मुझे जल्दी ले ले, बिकॉज मैंने 18 इयर्स में ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो आई वॉज लुकिंग फॉर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे जल्दी ले लें। तो मैंने ऐसा देखा कि एविएशन में आई कैन गो एज फ्लाइट अटेंडेंट, बिकॉज मैं 18 इयर्स के बाद ही उसको ज्वाइन करती हूँ, उस टाइम पर वो ओपनिंग थी कुछ टाइम के लिए, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फर्स्ट, पहले गो थ्रू ही मैंने कर लिया वहाँ से, और फिर मुझे हमेशा उस 3.5 ईयर से आई एम वर्किंग था, तो मुझे वो एक्सपोजर मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो वैसे ही मेरी मैंटेलिटी ऐसे रखी थी कि मुझे उस प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिले और चीज़ें देखने को मिले। और फिर जब मैं जैसे जैसे हर जगह कंट्री में गई, हर स्टेट में गई, मैंने देखा उनका कल्चर कैसा है, क्या है, स्पेशली हर जगह पे जाओ तो सबसे पहले हम वहाँ का जाके खाना देखते हैं, जनरली कल्चर देखते हैं, खाना देखते हैं। तो हमेशा रेस्टोरेंट्स में गई हूँ, तो हमेशा वहाँ पे जाके शेफ से बात किया, हमेशा मैंने हमेशा उनसे कॉन्वर्जेशन बिल्ड की है। कहीं पे भी जाके, फॉरेन में भी जाके, आई हैव ऑलवेज बीन कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं तरीके मतलब से किया। आप नॉलेज जितनी मिल जितनी नॉलेज मिल सके कि आप इकट्ठा करते हैं, जितनी नॉलेज मिल सके मैंने उतनी इकट्ठी की। हर चीज़ को, अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अलग या बहुत अच्छी लगती थी, मैं बोलती थी जाके, स्पेशली शेफ को जाके, कि बहुत अच्छा है और इसमें क्या ऐसा खास है। तो मुझे छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है कि कितनी किस्म की ब्रेड्स हैं हर जगह पे जाके, जैसे कहाँ पे चीज़ हमें अच्छा मिलेगा, ब्रेड्स अच्छी मिलेंगी, तो हर हर जगह पे जाके वो सब चीज़ों को टेस्ट किया और उन सब चीज़ों की नॉलेज थोड़ी ली। मुझे शौक था उन सब चीज़ों का। आप जम्मू की बेटी हैं, जितनी खूबसूरत आप खुद हैं उतनी खूबसूरती से आपने अभी तक का सफर भी तय किया है। आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मैं फिलहाल के लिए, मेरा शाइन डाइन जो है मेरा मेन मोटिव है, मैं इसको अच्छे से जो है एक्सपैंड करूँ। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं चाहती हूँ यही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता रहे, हो सकेगा हम आगे जाके वही बाहर भी हम कर ही रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से। और अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं और इसके बाद, अभी मैं थोड़े टाइम के लिए जम्मू में फ़िलहाल हूँ, मतलब थोड़े टाइम के लिए मैं फिक्स्ड हूँ जम्मू में,
इस मंथ भी हूँ, नेक्स्ट मंथ भी हूँ. सो उसके बाद मेरा फिर से प्लान है कि मैं बाहर जाऊँ थोड़े टाइम रहने के लिए. तो अभी भी मैं एक्सपोजर लेना चाहती हूँ और ज़्यादा. तो मेरा अभी भी मोटिव वही है कि मैं अभी हर जगह जाना चाहती हूँ. विदेशों से लाके तो जम्मू में रखना चाहते हो? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो. हाँ जी, मेरा अभी भी ये है कि अभी मैं और बाहर जाऊँ और ज़्यादा जितनी नॉलेज हो सके उतनी ज़्यादा नॉलेज लूँ. आप लास्ट में हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं खासतौर पर बच्चियों को लेकर. हाँ जी, मतलब बहुत सारा अभी भी है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरी स्टेट की बात करते हैं कि चंडीगढ़ पढ़ने भेजने के लिए, तो एक डर रहता है. हाँ, जब बच्चों पे ना जैसे स्पोर्ट्स में नहीं यार वो तो खेल कूद रहा है या सिंगिंग, बड़ा सब कंट्रोल रखते हैं. हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही सबसे क्या मैसेज रहेगा आपका पेरेंट्स के लिए? बिल्कुल, कि लड़कियों को भी उतना ही सपोर्ट करो जितना आप दोनों बच्चों को इक्वली सपोर्ट कीजिए. बिकॉज लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट है तो वो पूरी उसकी आगे की जनरेशन भी पूरी वो उसी तरह से बिल्ड करेगी. बिल्कुल सही किसी ने कहा, यू एजुकेटेड वुमेन यू एजुकेट जनरेशन. वो एक लेडी जो है हमेशा इंफॉर्मेशन आगे पास करती है. तो और ऊपर से उन पर सपोर्ट कीजिए, बिलीव रखिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए. आप ध्यान रखिए लेकिन उनको आगे बढ़ने से रोकिए नहीं. जितना वो आगे बढ़ेंगी उतना हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा. और आजकल वो हर फील्ड में है. आजकल वी सी लेडीज़ हर एक फील्ड में वुमेन जो है वो टॉप पोजीशंस पे हैं. तो हमें वो डर छोड़ना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए और आगे भेजना चाहिए उनको. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड की हमारे साथ डिफरेंट जो जानकारी है वो दी हमें. थैंक यू. नोविकर का जो इन्होंने जानकारी हमारे साथ शेयर की है, बाकी में एक बड़ी डिफरेंस सी है और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बहुत ही हमारे ज़रूरत बन जाएगी. कैमरा पर्सन विशाल मेहता एंड मक्खन सिंह के साथ मैं अजीत सिंह, जेके न्यूज़ नेटवर्क जम्मू.